महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद यू टर्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अजीत पवार के साथ बगावत करने वाले विधायकों ने अब घर वापसी करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सांसद अमोल कोल्हे के बाद अब सतारा एमएलए मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ विधायक बालासाहेब पाटिल ने भी पार्टी में वापसी का ऐलान कर दिया। बता दें, विधायकों से पहले बीते दिन सांसद अमोल कोल्हे ने शरद खेमे में वापसी करने का ऐलान किया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस ऐलान के साथ ही नए नवेले डिप्टी सीएम अजीत पवार को दो दिनों के अंदर डबल झटका लगा। उधर एनसीपी के दोनों विरोधी गुटों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है और दूसरे पक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने क्रॉस याचिकाएं दायर की। इस याचिका से पहले अजीत पवार के शपथ के दौरान राजभवन में मौजूद शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने भी सोमवार को कहा था वो शरद पवार के समूह में वापस जा रहे हैं। इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे के गुट के खिलाफ पहली कठोर कार्रवाई की, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी से बर्खास्त किया गया। हालांकि जवाब में अजीत पवार गुट ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल की जगह तटकरे को कुर्सी सौंप दी। लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे की भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां है उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। गौरतलब है कि भतीजे अजीत पवार के बगावत के बाद एनसीपी चीफ ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और विधानसभा अध्यक्ष से इन्हें अयोग्य घोषित करने की अपील की। वहीं शरद पवार के साथ ही अजीत पवार ने भी विधानसभा अध्यक्ष से जितेंद्र अबहाज को अयोग्य घोषित करने की मांग की। बता दें, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और साथ ही छगन भुजबल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, जिसमें शिंदे फडणवीस सरकार के साथ गठबंधन करने की वजह बताई गई। पार्टी में टूट और भतीजे के विद्रोह पर रविवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में पवार ने पटेल और तटकरे की आलोचना की और कहा उन्होंने उन्हें पार्टी के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया था, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन करने के बजाय उन्होंने उन्हें ही छोड़ दिया। फिलहाल घर वापसी के इस खेल में अजीत पवार को आगे कितने और झटके लगते हैं यह देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।